कुरान पाक हमसे रोज पूछता है कि मेरी एक आयत जमीन पर पड़ी मिल जाए तुम उसको उठा लेते हो, झाड़ते पोंछते हो, चूमते चाटते हो, ऊंची जगह पर तबर्रुक के तौर पर रख देते हो। लेकिन उसी आयत में अगर ये लिखा हो कि सूद लेने देने वाले अल्लाह रसूल से जंग करने वाले हैं, मेरे हुक्म को नहीं मानते, ये कुरान पाक हमसे गिला कर रहा है, ये कुरान पाक हमसे शिकवा कर रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि क्या मुझ पर ईमान लाने वाले ऐसे होते हैं, ये तुम्हें हो क्या गया, तुम मेरे एक एक हर्फ के ऊपर दस दस नेकियां लेने की बात कर रहे हो, ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी सिफारिश करूं और तुम्हारी जन्नत पक्की करूं, लेकिन तुम मेरे हराम को हराम नहीं समझते, तुम मेरे हलाल को हलाल नहीं कहते, तुम मेरी शरीयत को नाफिज नहीं करते, तुम मेरे इंसाफ के और अदल के मीजान को नसब नहीं करते, तुम मेरी किस बात पर अमल करते हो जिसके नतीजे में मैं तुम्हारी सिफारिश करूं। कुरान पाक हमसे जो गिला कर रहा है, अगर उसके गिले को हमने